ओम शांति। हम एडवांस पार्टी के बारे में मंथन कर रहे हैं। आज हमारा एडवांस पार्टी का विषय है पांचवा, एडवांस पार्टी स्थापना के निमित्त। एडवांस पार्टी स्थापना के निमित्त उसका पार्ट टू, एक हमने कल किया था पार्ट वन, आज कर रहे हैं हम एडवांस पार्टी स्थापना के निमित्त है तो उसका पार्ट टू। आज जानकी दादी विदाई ले लंदन जा रही थी तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए जानकी दादी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाप दादा को भी मुर्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं ना कि विदाई, बधाई देते हैं ना कि विदाई। वैसे तो ये मस्त फकीर है। कौन मस्त फकीर है? अच्छा, विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो। सेवा दूसरों की करोगे, बाबा को साथ लेके जा रही है, थे नहीं? जा रही हो। इस वर्ष की विशेषता चक्रवर्ती भाव, चक्रवर्ती भाव। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगी, बाप आपको परिक्रमा लगवाएंगे। जानकी दादी से पूछ रहे, साथ साथ दिलाएंगे। आज मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी है। मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख, दीदी 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 एक ही है बस, दीदी कोई और नहीं आई। मन मोहिनी दीदी, आज मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी है। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज के समर्थी दिवस बनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची, जो एडवांस पार्टी में गई हुई हैं, वे भी ऊपर पहुंची। उनकी भी रूह रूहान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त, अलौकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है, बाप दादा सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है। सरस्वती नदी मालूम है ना? हाँ जी, मुम्मा। बाप दादा गुप्त सेवाधारी गंगा और जमुना प्रसिद्ध है। बाप दादा गुप्त सेवाधारी गंगा और जमुना प्रसिद्ध है। साकार में लेकिन सरस्वती की सेवा
गुप्त रूप में भी दिखाई। अब ये गंगा जमुना कौन है? बाप और दादा। बाप हुआ जमुना या दादा हुआ जमुना? बाप गंगा, काली है तो ये काला है। और एक है सरस्वती जो गुप्त है, गुप्त रूप में भी दिखाई है। और प्रख्यात में सरस्वती को सितारधारी वीणा वादिनी यादगार रूप में भी है। सरस्वती को दो रूप में दिखाया, एक गुप्त नदी के रूप में और एक वीणा वादिनी या सितार वादिनी के यादगार के रूप में। और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है, दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा, जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। जन्म द्वारा, जैसे ही जन्म हुआ और सेवा शुरू। जहां जीत वहां जन्म, जहां सफलता मिलती है वहां जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती। जैसे ही बाबा के बच्चे बने, विकारों पर जीत पाई। बाबा के जन्म हो गया ना, विकारों पर जीतेंगे तो ब्रह्मा कुमार हैं। विकारों को जीता नहीं तो क्या के ब्रह्मा कुमार हैं? शूद्र कुमार के शूद्र कुमार हैं। जहां जीत वहां जन्म, मतलब जब हमने विकारों को जीता तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। विकारों को जीता नहीं तो नहीं कहेंगे। जहां जन्म वहां जीत है, जहां जन्म, जैसे ही जन्म हुआ और विकारों को जीत लिया, ना कि जहां जीत वहां जन्मा। ये जो थोड़ा बहुत गायन है ही, वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समी का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब विशेष पाठ, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो। पिछले कल्प का लेन देन का हिसाब बराबर हो तो फिर नए कल्प का पाठ क्या हो? वंडरफुल पाठ की आदि हो। एडवांस ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं, एडवांस ग्रुप में तो और भी गए, विशेष नामी ग्रामी आत्माएं, उनका संगठन बहुत मजबूत है, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। क्या समझ में आया? पहला जन्म, श्रेष्ठ जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का पाठ, ये है एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, जो एडवांस स्टेज की आत्मा को धरने तैयार। देवताओं ने, कृष्ण ने जन्म लेना है, सतयुग की आदि रचना ने जन्म लेना है, तो उसके लिए ये धरनी तैयार करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। कितना क्लियर बता रहे हैं? और वो अब चल रहा है, तो जन्म अब देंगे, वहां जाकर के देंगे।
जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, विनाश करने वाले वो बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। ये मुरली कब की है वो सोचना पड़ेगा ना, आज तो ना कह रहे हैं, अभी आएगी डेट आएगी। मतलब मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, वे तो स्नेह से, संबंध के स्नेह से, वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, ये भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। पहले कृष्ण पीछे राधे होगी ना, पहला जन्म किसका होगा, कृष्ण का होगा, पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा। पहले जो तैयारियां करनी हो सारी हो जाएंगी ना, तब जाके कृष्ण का जन्म होगा ना, राधे का। इसलिए वे बड़ा, वे छोटी हो जाएगी, कृष्ण बड़ा हो जाएगा और राधा छोटी हो जाएगी। जैसे यहां भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। जैसे यहां भी कारोबार के निमित्त जगत अंबा के क्षेत्र में पहले जगत अंबा धरनी बनाने गई, जगत अंबा 1964 में चली गई, जगत अंबा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगत अंबा और मुरबी बच्चा वो तो धरनी तैयार एडवांस पार्टी में गई। हाँ, बाबा तो एडवांस स्टेज गए। हाँ, एडवांस स्टेज गए, परंतु इनका पार्ट अलग है, ठीक है, इनका पार्ट अलग है। मतलब गए तो एडवांस पार्टी में ही ना, ब्रह्मा बाबा भी जाकर के काम तो वही कराएंगे ना, ये लीडर है, वो फॉलो आगे मानने वाले हैं। करने में इनका भी योगदान होगा। हाँ, सब कुछ होगा। अभी जगत अंबा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी, विश्व किशोर याद आ रहा है ना, विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। बाबा तो बाद में गया ना, पहले कौन थे, जगत अंबा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी, ये दोनों साथी बने, सामना करने वाले थे उन परिस्थितियों का जो भी आगे तैयार करनी है ना स्थापना के कार्य में। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। तो जब यहां यज्ञ में थे तो जो भी कोई बात आती थी तो सामने कौन जाएगा, मम्मा, क्योंकि प्रधान तो वही है, ये बाबा तो प्रेसिडेंट है ही नहीं, संस्था की प्रधान मम्मा हो जाएगी और मम्मा का साथी विश्व किशोर जाएगा। कोई भी समस्या आती, कोर्ट का, कचहरी का या पब्लिक का झगड़े होते, जो भी होते, जो भी समस्याएं आती थी तो मम्मा आगे और उसका साथी कौन, विश्व किशोर।
ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा पीछे, तो मेरा और पार्ट नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, वो मेरे अंदर आता है, वो अपना काम करता है, मेरा कोई मतलब नहीं, प्रधान है तो वो है, बात करो उसके साथ। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी हैं, हीरो पार्टधारी हैं, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। लाइन समझ में आ रही है? कितनी क्या क्या एक एक बात मतलब ध्यान से समझने वाली है ना। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, मतलब वो आत्माओं को तैयार कर रहे हैं जो पवित्रता से निर्विकारी कृष्ण को जन्म दें। वो गर्भ महल होगा ना, दादी प्रकाशमणि ने गर्भ महल से जन्म लिया ना, तो उससे पहले कृष्ण ने लिया, 2007 में दादी ने लिया, तो दादी से पहले किसने लिया, कृष्ण ने जन्म लिया 2002 में, और उसने लिया 2007 में, 5 साल बाद दादी प्रकाशमणि ने शरीर लिया। एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा बाबा कितना क्लियर जो है ना वर्णन करके गए। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, विश्व किशोर और मम्मा, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहां स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सब के लिए जो विशेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। मम्मा और विश्व किशोर भाई यहां पहले यज्ञ की स्थापना का कार्य किया, अब यहां से जाकर आगे अष्ट रत्नों को जन्म देने के लिए गर्भ महल की तैयारी करें। महल तैयार कर रहे हैं, जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जावेंगी ना, तीसरे महीने में प्रवेश करना है, वो तैयार कर उन आत्माओं को जो माता पिता बनने हैं ना। कैसे तैयार? विश्व किशोर भाव खुद ही बाप बनेगा ना। मैं वही तो कह रही हूँ ना, खुद ऐसा बनेगा। हाँ तो मम्मा तो जन्म लेगी, मम्मा ने तो राधे के रूप में जन्म लेना है, विश्व किशोर भाव ने नहीं लेना। हाँ मतलब वो दोनों अलग हैं, मतलब ये नहीं कि पति पत्नी वाला रोल नहीं है उनका। जब तैयार हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना, तो अब अपवित्र कर रहे हैं, नहीं सॉरी, अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना, कितना क्लियर है, अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसा पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती आत्माएं, ऐसी वैसी आत्माएं नहीं कर सकती, पावरफुल आत्माएं चाहिए जिन्होंने कृष्ण को जन्म देना है। वे भी डेट पूछ रहे हैं, बात घुमा दी, बात घुमा दी, वो भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए। ठीक है, डेट बताओ। वे तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी सब चले गए, साकार रोल उन्हीं का कह रहे हैं।
मतलब जब तुम संपन्न बनो तो हम भी आपको अच्छा, रिसीव करने बने तो। हाँ, वो अब गर्भ तैयार हो जाए तो यहाँ से आत्मा जाने वाले भी तो पूरी बने ना। जिन्होंने कृष्ण और कृष्ण के साथ जन्म लेना है तो ये तैयार हो तो वहां भी तैयारी की जाए ना। पहले अंत होगा तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पार्ट की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना? उनकी रू रूहान वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। उनके भी सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं। ये बाबा ने 18 जनवरी 1980 को कहा। विश्व किशोर भाई भी उनका को गए हुए समझो। अब 1965 में वो 66 में चला गया होगा विश्व किशोर भाई, डेट तो नहीं मालूम। मामा के बाद विश्व किशोर भाव गया, चाहे साल में गया हो चाहे 2 साल में गया हो। तो अब आप सोचिए कि 65 से लगाओ एवरेज, क्या नहीं 25 साल बाद, 25 साल 65 और नहीं 80 में का है ना, 65 और 25 कितने 15 साल बाद। 15 साल के जवान बच्चे हो गए ना, शरीर छोड़ा तो जाके शरीर ले लिया, ले लिया। तो अभी जा सकते हैं ना, अभी मतलब उनको साल के हुए, अभी इंतजार करें, जल्दी ऑर्डर करो। हाँ तो भाई मतलब उस टाइम की बाबा बात कर रहे हैं ना, मतलब हमें समझना इस बात को है कि 2 तक 20 साल और हो गए, 20 और 15 27 साल हो गए, 27 साल 30 साल 20 मतलब 80 और 20 15 20 और 15 35 साल हो गए ना, वहां पर 100 तक 2000 तक और 2 साल और 35 और 2 37 37 साल में जा करके माता पिता कृष्ण को जन्म देंगे। मतलब मैं हिसाब लगा रहा हूँ, ठीक तो मतलब माँ बाप इतनी उम्र के होने चाहिए ना परिपक्व एकदम, जो निर्विकारी कृष्ण को जन्म दे सके। तो 2002 में नेचुरल वो जन्म देने के लायक। तो मतलब कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत ही क्लियर जो है ना बाबा ने 80 में देखो कितना क्लियर समझा दिया। और उसके बाद भी कोई ना समझे तो वो उसका पार्ट। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।